गाइस, दिस मुनाल साहब, वेलकम यू फ्रेंड्स। मैंने VLCC का टाइटनिंग फेशियल किट लिया था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और हमें मंथ में एक बार फेशियल जरूर कराना चाहिए, या फिर आप घर पे करें या फिर आप पार्लर जाके करें। तो अगर आप पार्लर जाके कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, अराउंड 800 के आसपास पड़ता है। आप कोई भी नॉर्मल भी फेशियल कराएं। अगर आप घर पे करना चाहते हैं फेशियल, तो ये मैंने VLCC का स्किन टाइटनिंग फेशियल लिया था। इसका MRP 120 रुपीज़ है और मुझे अराउंड 100 के आसपास मिल गया था ये। और काफ़ी ईजी है इसको लगाना, इसको इस्तेमाल करना। इसमें सारे स्टेप्स दिए गए हैं, आप उनको फॉलो करके कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको इस फेशियल किट को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस फेशियल किट में मुझे 5 छोटे छोटे पाउच मिले थे और 5ों पाउच पे इसमें नंबरिंग लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेप आपको फर्स्ट करना है, कौन सा सेकंड करना है, कौन सा थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो काफ़ी इजी है इसको करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम फर्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर कम टोनर विद कॉम्बी एंड एलोवेरा। तो इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और इसको जेंटली मसाज करेंगे अपने फेस पे। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक इसको मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद अपने स्किन को आप वॉश कर लीजिए या फिर वाइप से इस तरह से आप पोंछ लीजिए अपने स्किन को। तो इस तरह से आपके स्किन में जो भी डर्ट होगा कि स्किन से निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमें फेशियल स्क्रब करना है और ये हमें फेशियल स्क्रब मिला है जो कि वॉलमट और बर्बरी से बना हुआ है। इसको हमें अपने फेस पे जेंटली अप्लाई करना है और 2 से 4 मिनट तक हमें इसको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। और मसाज करने के बाद अपने स्किन को पानी से या फिर वाइप से आप वाइप ऑफ कर लेंगे। इस तरह से आपके स्किन का जो भी डेड सेल होगा वो आपके स्किन से निकल जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें फेशियल मसाज जेल मिला है जो कि बना हुआ है डैंडेलियन और कैस्टर ऑयल से बना हुआ है। इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे और इसको मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में जब तक आपके स्किन में ये टोटली ऑब्जॉर्व ना हो जाए। जब आपके स्किन में ये ऑब्जॉर्व हो जाएगा फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इससे पहले अपने स्किन में इसको अच्छे से मसाज कीजिए ताकि आपके स्किन में ये टोटली ऑब्जॉर्व हो जाए। फोर्थ स्टेप है फेशियल क्रीम जो कि आलमंड और वीट जम से बना हुआ है। इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे और इसको भी अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और इसको हमें 8 से 10 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आप इसको वाइप ऑफ कर लें या फिर नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लें। ये नेक्स्ट स्टेप ऑप्शनल है। आप ब्लैक हेड रिमूवर लेकर अपने नोज़ के आसपास का एरिया जो है इस तरह से इसको ब्लैक हेड से या वाइट हेड से आपके तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद फिर हम फिफ्थ स्टेप फॉलो करेंगे जो कि फेशियल पैक है। ये फेशियल पैक मलबरी और कुकुम्बर से बना हुआ है। इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे और जब तक ये ड्राई ना हो जाए तो अपने फेस पे रखेंगे और ये 10-15 मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। फेशियल के बाद आप नोटिस करेंगे आपके स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है और काफ़ी अच्छा शाइन आपके स्किन में महसूस होगा। और इसके बाद आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।